तो गाइज आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं ट्यूब एंड कपलर स्काफ होल्ड में कौन कौन सा कपलर इस्तेमाल होता है और उसका लोड क्लास क्या है, तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कि स्काफ होल्ड बनाने से पहले एक लकड़ी का बोर्ड रखा जाता है जिसका नाम है सोल बोर्ड, जिसका जो है कि लेंथ होगा 450 और विड्थ होगा इसका 225 एमएम, थिकनेस होगा 38 mm। उसके बाद जो है कि इसके ऊपर रखा जाता है बेस प्लेट। बेस प्लेट का जो साइज होता है स्टैंडर्ड साइज 150 बाई 150 mm होता है, थिकनेस 5 mm और संक जो होता है 50 mm होता है। ये हो गया हमारा जो है कि ग्राउंड में। उसके बाद जो है हमारा कपलर आता है राइट एंगल कपलर, इसे बोलते हैं, जिसे हम फिक्स क्लेम भी बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है जब स्टैंडर्ड खड़ा हो जाएगा तो लेजर ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें दो क्लास इसका रहता है ए और बी। ए क्लास का जो है लोड क्लास होता है 6.1 kN और बी क्लास का 9.1 kN। ये है हमारा स्विबल कपलर, जिसे हम चालू क्लेम्प भी बोलते हैं। इसका भी लोड क्लास सेम होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, और इसका यूज किया जाता है ओनली जब भी ब्रेसिंग लगाएंगे तो हम चालू क्लेम्प यानी कि स्विबल कपलर का यूज करेंगे। अब हमारा आ गया पुटलक कपलर, इसे हम सिंगल कपलर भी बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है ओनली ट्रांजम जब हम लगाते हैं, जब हमें बोर्ड रखना होता है तो ट्रांजम जब ऊपर में डालते हैं लेजर के ऊपर तो इसका यूज किया जाता है। इसका लोड क्लास होता है 0.63 kN। ये है हमारा बोर्ड क्लेम्प। बोर्ड क्लेम्प जो है दो प्रकार का होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, दो प्रकार का है। और इसका जो है कि यूज किया जाता है बोर्ड को जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कि बोर्ड को दाबने के लिए यूज किया जाता है, इसका भी वीडियो में आप देख सकते हैं, इस तरह से यूज किया जाता है। अब हमारा आ गया है लैडर क्लेम्प। तो लैडर क्लेम्प का नॉर्मली यूज किया जाता है जब भी हमें लैडर को फिक्स करना होता है ताकि लैडर इधर उधर हिलेगा नहीं, टाई अप करना है स्काफोल्ड से, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है, इसे हम लैडर क्लेम्प बोलते हैं। ये भी दो तीन प्रकार का होता है। अब हमारा आ गया स्लीव कपलर। तो स्लीव कपलर का जो है कि यूज किया जाता है नॉर्मली, इसे हमें दो पाइप को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ए और बी क्लास का होता है, 3.6 kN ए क्लास का और बी क्लास का 5.5 kN होता है। इस तरह से इसको यूज किया जाता है जब भी हमें दो पाइप को जोड़ना होता है तो इसे यूज किया जाता है। ओके, ये है हमारा ग्रिडर कपलर, बीम कपलर। ये आप देख लीजिए, ये दो नाम होता है, बीम क्लेम्प भी आदमी बोलता है लेकिन इसका नाम दो होता है, ग्रिडर कपलर, बीम कपलर, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और इसका यूज जब भी किया जाता है पेयर में किया जाता है, यानी एक साथ दो यूज किया जाएगा, देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से यूज किया जाता है। इसका नॉर्मली जो है कि और वीडियो में आपको मिलेगा कि 3000 kg होता है इसका लोड क्लास, लेकिन इसका लोड क्लास जो है कि मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है, तो आपको गाइडलाइंस पढ़ना ज़रूरी है मैन्युफैक्चरर कितना इसका लोड क्लास दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं जो स्काफोल्ड का ट्यूब होता है उसका स्टैंडर्ड क्या होता है और कपलर का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो आपको हम बता दें, स्काफोल्ड का ट्यूब का स्टैंडर्ड होता है BSEN 1139। ओके, इसका स्टैंडर्ड होता है, ट्यूब जो होता है इसका स्टैंडर्ड ये होता है। और इसमें कपलर का भी स्टैंडर्ड यही आप बता सकते हैं। एक और आता है कपलर का स्टैंडर्ड, आपको मैं बता देता हूँ, EN 74 भी आप बता सकते हैं कपलर का स्टैंडर्ड अगर क्लाइंट आपसे पूछता है। तो ये था हमारा जो है कि स्काफोल्ड का कौन कौन सा कपलर यूज होता है, उसका लोड क्लास क्या होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉच।